कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते खतरे की वजह से सावधानी बरतते हुए भारत के कई राज्यों में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। फिलहाल लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर कई सवाल हैं। लॉकडाउन क्या होता है, इसमें क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, जैसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में लॉकडाउन वह स्थिति है जब लोगों को एक सीमित जगह से बाहर जाने से रोक दिया जाता है। पूरी तरह से लॉकडाउन का मतलब यही है कि आप जहां पर हैं वहीं रहें। इसमें आपको किसी बिल्डिंग, इलाके, राज्य या देश तक सीमित किया जाता है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि लॉकडाउन में क्या सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सामान्य तौर पर जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं रोकी जाती, जैसे किराना स्टोर, मेडिकल से जुड़ी चीजें, बैंक चलते रहेंगे। गैर जरूरी गतिविधियों को रोक दिया जाता है, खासकर लॉकडाउन के दौरान यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। यातायात के सार्वजनिक साधनों को इसमें बंद कर दिया जाता है। अब एक सवाल यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान आखिर क्या करना है। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। इसके अलावा दूसरे कामकाज की इजाजत नहीं होती है। और हाँ, लॉकडाउन के दौरान अगर आवश्यक सेवाओं के दायरे में ना आने वाली कोई कंपनी खुली रहती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि घर पर रहेंगे तो नौकरी का क्या होगा। तो आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से भारत की प्राइवेट कंपनियों को सख्त ऑर्डर दिया गया है कि वे कर्मचारियों से घर से काम करवाएं। दिहाड़ी मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देने की बात कही है। यह भी आदेश है कि कंपनियां इस दौरान सैलरी नहीं काट सकती हैं। लॉकडाउन से काफी लोग डर रहे हैं और ये सवाल पैदा हो रहा है कि कौन सी चीजें इकट्ठा करके रखें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लॉकडाउन से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इस दौरान चीजों को बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा करने की जरूरत है। सरकार ने रोज काम आने वाली चीजों को बंद नहीं किया है, लेकिन एक बात है कि दुकानों पर स्टॉक कम होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा पाबंदी है। ऐसे में चीजें इकट्ठा करेंगे तो दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी है तो क्या करें। केंद्र और राज्य सरकारों ने इमरजेंसी वाली स्थिति के लिए मेडिकल सेवाएं चालू रखी हैं। हॉस्पिटल, फार्मेसी चालू रहेंगी। कुछ भी दिक्कत होने पर संबंधित नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।